हाय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ब्रिजेश दुबे, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 से, साइंस चैप्टर नंबर 7, दैट इज वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वेदर के अबाउट में, देखेंगे कि वेदर किसे कहा जाता है, और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं बच्चों। तो पूरे चैप्टर में हम वेदर के अबाउट में स्टडी करेंगे, क्लाइमेट के अबाउट में स्टडी करेंगे, और कुछ एनिमल्स के अबाउट में स्टडी करेंगे। देखेंगे कि एनिमल किस तरीके से अपना एडेप्टेशन करते हैं, दैट मीन कि वो अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट किस तरीके से वो रहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, इम्पोर्टेंट थिंग बताना जरूरी है, दैट इज कि बच्चों, हमारे इस चैनल के ऊपर में सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सभी के वीडियोस अवेलेबल हैं। और आपको करना क्या है कि आपको जस्ट टॉपिक का नाम लिखना है, और उसके बाद में स्टार एजुकेशन या फिर बाय स्टार एजुकेशन इतना लिखना है, आप उस टॉपिक को देख सकते हैं, या फिर पूरा चैप्टर लिखिए, दैट इज आप लिखिए कि भाई क्लास 7 साइंस चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 1, जो भी लिखना है आप इतना लिख करके सर्च मारेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो है लेक्चर, पूरे का पूरा चैप्टर्स को देख सकते हैं, या पर्टिकुलर जो लेक्चर आप देखना चाहें, क्योंकि सारे वीडियोस बनाए इसी तरीके से हैं, है ना, पूरे टॉपिक वाइज बनाए हैं, तो आपको जिससे कि देखने में और समझने में आसानी हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज वेदर। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया है। चलिए हम देखते हैं हमारा आज का जो बच्चों टॉपिक है, दैट इज वेदर। वेदर किसे कहा जाता है बच्चों, इसे समझते हैं। द डे टू डे, ठीक है ना, ये डेफिनेशन है उसकी बच्चों, डेफिनेशन आपको इसको याद करना पड़ेगा, पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर में। द डे टू डे एटमोस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना, तो डे टू डे एटमोस्फेरिक कंडीशन जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस की विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, कुछ फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में सच एज रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस। क्या कहा जाएगा उसको, वेदर कहा जाएगा। अब यहां पर आप देखते हैं कि भाई जो एटमोस्फेयर के अंदर में डे टू डे बच्चों जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वहां पर कुछ फैक्टर्स जो है उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो फैक्टर्स कौन से हैं बच्चों, तो वो हमने देखा है यहाँ पर रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, टेम्परेचर है, और विंड ऑफ स्पीड है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वेदर के ऊपर में, ठीक है ना। तो लेकिन बट ये जो वेदर की बात कर रहे हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, हम एवरीवेयर की बात नहीं कर रहे बच्चों, ठीक है, एवरीवेयर की बात नहीं कर रहे, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको वेदर को समझना हो तो आप इस कैसे समझेंगे, ठीक है, इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आप सभी लोग टीवी तो देखते ही होंगे, है ना, उसके अंदर में बच्चों हवामान समाचार आता है ना, यानी कि तापमान बताता है, उसमें एक खड़ा होता है वहां पर एंकर, वो बताता है कि आज का दिल्ली का तापमान इतना है, ठीक है ना, उसके बाद में मुंबई का तापमान इतना है, आज इतनी यहाँ पर बारिश हो सकती है, यहाँ जो है ये चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आप देखते हैं वो बच्चों वेदर के अबाउट में ही बताते हैं, ठीक है ना, इसके अबाउट बताते हैं, वेदर के अबाउट में बताते हैं। और आप इसको न्यूज़पेपर में भी, जब न्यूज़पेपर में जो बच्चों फ्रंट पेज जो आता है ना, उस पर अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको वहां पर लिखा हुआ रहता है ना कि भाई आज मुंबई का टेम्परेचर इतना रहेगा, ठीक है, उसके बाद में पांच महानगरों के टेम्परेचर इतने हैं, आज का अहमदाबाद का टेम्परेचर इतना है, दिल्ली का टेम्परेचर इतना है, तो ये सारे जो टेम्परेचर उस पर लिख रहे हैं बच्चों, ये क्या रहता है, ये वेदर है ना, उस डे का वेदर बताते हैं, किस डे का, जिस डे का आप वहां पर न्यूज़पेपर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आज का आप पढ़ रहे हैं तो वो आज का है, फिर पिछला वाला कुछ अलग रहा हुआ है, दैट मीन कि ये जो वेदर है बच्चों ये चेंज होता रहता है, क्या होता रहता है, ये पूरा चेंज होता रहता है। अब डेली का न्यूज़पेपर लीजिए, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये जो वेदर है वो आपको देखेंगे कि आप उसके अंदर में अलग अलग टेम्परेचर हर रोज का। इसके अलावा बच्चों मोबाइल जो कि आपके हाथ में, मोबाइल के अंदर में भी दिखाता है ना, जब आप स्क्रीन लॉक करते हो, उसके अंदर जब ऑन करते हो देखते हो, उस पर दिखाता है कि भाई टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना, तो दैट इज नथिंग बट वेदर, ओके। चलिए अब हम वेदर में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आएगा कि वेदर हम किसके अबाउट में स्टडी कर रहे हैं बच्चों, आपको समझ में आ गया है ना, क्लियर। चलिए, फैक्टर सच एज टेम्परेचर, तो बच्चों जैसे फैक्टर जैसे कि बात करते हैं टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच
determines the weather of a particular place are known as the elements of weather. तो बच्चों यहाँ पर हमने जो देखा कि जो फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेदर के ऊपर में, इज इट क्लियर? फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेदर के ऊपर में, तो भाई ये जो फैक्टर्स है, ठीक है ना, ये जो फैक्टर्स है उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे एलिमेंट, एलिमेंट कहेंगे किसका एलिमेंट बच्चों, तो वेदर का एलिमेंट, क्योंकि इनके वजह से वेदर में जो है चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि टेम्परेचर की बात कर ले, बात करो अगर हम नाइट की बात करते हैं, नाइट का टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है, उसके बाद में अगर हम डे, ठीक है, मिड डे की बात करते हैं, हाँ, तो वहां का जो टेम्परेचर होता है उस टाइम का बच्चों कैसा होता है, काफी ज्यादा हॉट होता है। इवनिंग का थोड़ा सा कूल होता है, वैसे मॉर्निंग का एकदम कूल होता है, राइट। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि टेम्परेचर जो है काफी इफेक्ट करता है वेदर के ऊपर में बच्चों, ठीक है। तो इन जो ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे, और किसका एलिमेंट्स, तो वेदर का एलिमेंट, बिकॉज ये सारे उसको अफेक्ट करते हैं, उसको चेंज करते हैं। रेनफॉल की बात करें तो रेन की वजह से भी काफी ज्यादा जो है वो चेंजेस देखने को मिलता है। वैसे हम विंड स्पीड की बात करते हैं तो भी बहुत सारी चीजें जो है चेंजेस देखने को मिलती है। ह्यूमिडिटी की वजह से भी काफी चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये सारे उसके क्या है बच्चों, फैक्टर्स है, और इनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा और डीप में देखते हैं कि भाई ये एलिमेंट्स जो हैं, भाई उनको हम क्या कह सकते हैं। जैसे कि पहली बात कर रहे हैं हम टेम्परेचर की, है ना। तो बच्चों इसको ऑलरेडी हम चैप्टर 4 के अंदर में स्टडी कर चुके हैं टेम्परेचर के अबाउट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन एनवायरमेंट। तो बच्चों टेम्परेचर किसे कहा जाएगा, तो भाई ये डिग्री है, किसकी डिग्री है, तो एनवायरमेंट की हॉटनेस या तो फिर कोल्डनेस की क्या है, ये डिग्री है। ये इंडिकेट करता है भाई कि ये जो टेम्परेचर अभी यहां पर इतना कूल है तो इसका टेम्परेचर इतना है। हाँ, अगर मान ली 20 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं भाई 35 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी डिग्री 35 सेल्सियस है, तो मतलब इसका टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। इस तरीके से क्या इंडिकेट करता है बच्चों, तो ये डिग्री इंडिकेट करता है किसकी डिग्री, तो हॉटनेस और कोल्डनेस की। आगे बढ़ते हैं, इसमें सेकंड देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है बच्चों, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, दैट इज ह्यूमिडिटी। तो हमारे आसपास में जो मॉइस्चर है, ठीक है ना, कितने अमाउंट में है, तो वो बताता है ह्यूमिडिटी बताता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे आसपास में अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा, दैट मीन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कैसा होगा बच्चों, ज्यादा होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है, दैट मीन की अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कैसा होगा बच्चों, कम होगा। अगर हम बात करते हैं दोपहर के टाइम की, ठीक है ना, आफ्टरनून की बात करते हैं बच्चों, तो ह्यूमिडिटी जो है वो लेस होगी, कम होगी। वैसे अगर हम बच्चों मॉर्निंग की बात करते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम में ह्यूमिडिटी जो है कैसी होगी, ज्यादा होगी, कि उस टाइम जो है मॉइस्चर ज्यादा देखने को मिलता है, इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेनफॉल। रेनफॉल किसे कहा जाता है, द क्वांटिटी ऑफ रेन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, द क्वांटिटी ऑफ रेन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बच्चों, कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम में कितना रेन गिर रही है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, रेनफॉल, उसे हम क्या कहेंगे, रेनफॉल। अच्छा, रेनफॉल जो है बच्चों किस तरीके से मेजरमेंट की जाती है, तो एक सिलिंड्रिकल वेसल होता है, एक सिलिंड्रिकल वेसल होता है, उसके ऊपर में फनल लगी हुई होती है, ठीक है ना। अब उसके अंदर में जब रेनफॉल होती है तो उसमें क्या होती है, फॉल होती है, उसमें जो वाटर है उसका स्टोर होता है। उसके बाद में उस वाटर का मेजरमेंट किया जाता है, भाई इतने टाइम में इतनी जो है रेनफॉल हुई है, तो भाई इतना यहाँ पर आप देखते होगे तो दिखाता होगा कि भाई इस स्टेट में इतना रेनफॉल हुआ, इतने सेंटीमीटर जो है रेनफॉल हुई है। जैसे कि हम बात करते हैं मेघालय, मेघालय में सबसे ज्यादा, एशिया में सबसे ज्यादा जो है वहां पर रेनफॉल होती है, ठीक है ना। वैसे हम पर्टिकुलर कोई भी स्टेट ले सकते हैं, तो सब हर एक स्टेट में बच्चों जो रेनफॉल होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो उसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है। और इसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है बच्चों, तो रेन गेज करके, ठीक है, रेन गेज करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, तो उसके थ्रू इसको मेजरमेंट किया जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, विंड स्पीड, ठीक है ना, क्या है विंड स्पीड, विंड स्पीड किसे कहेंगे, द स्पीड ऑफ विंड ब्लोइंग ओवर अ प्लेस इन किलोमीटर पर आवर। तो भाई किसी प्लेस के ऊपर में विंड की जो स्पीड है वो कितने किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है, कितने किलोमीटर पर आवर है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं विंड स्पीड कहते हैं, क्या कहेंगे, विंड स्पीड कहेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वेदर के अंदर में हम देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो हमने फैक्टर्स के अबाउट में देखा बच्चों, के चार जो फैक्टर्स है या उसके चार जो एलिमेंट्स हैं, उसके चार एलिमेंट्स हमने देखे। वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। तो बच्चों वेदर क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। कैसे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है? इट कैन चेंज कंसिडरेबली विद इन डेज। तो बच्चों ये क्या होता है, इसके अंदर में चेंज डे में ही, डे टाइम में ही कई बार इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे उसको भी देखते हैं। इनफैक्ट इन सम डे द मॉर्निंग आर सनी व्हाइल इट स्टार्ट्स रेनिंग बाय आफ्टरनून। तो बच्चों क्या होता है कि सम डे ऐसा देखने को मिलता है कि मॉर्निंग कैसी रहती है, तो मॉर्निंग में एकदम सन निकलता है, सनी डे रहता है हमको, बट जैसे ही आफ्टरनून आती है क्या होता है, रेनफॉल होने लगती है। तो क्या हो गया, चेंज हो गया। आप मॉर्निंग का एटमोस्फियर ठीक है देख करके बता नहीं सकते हैं कि भाई आफ्टरनून में रेनफॉल होगी या नहीं होगी, या तो फिर भाई अगर आफ्टरनून में रेनफॉल हो रही है तो इवनिंग में भी रेनफॉल होगी कि नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये जो वेदर है बच्चों ये डे में ही है ना, विद इन अ डे कई टाइम जो है चेंज होता रहता है, तो इसके लिए क्लेरिफाई कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए इसको क्या कहा गया है, कॉम्प्लेक्स कहा गया है। क्या? कॉम्प्लेक्स फिनोमेना कहा गया है। आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। थस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट वेदर। इस वजह से बच्चों इसको प्रिडिक्ट कर पाना, इसको बता पाना या समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि मैंने बताया ना, मॉर्निंग में सनी डे लगता है, आफ्टरनून में क्या होने, रेनफॉल होने लगती है, फिर से इवनिंग में क्या हो जाता है, तो भाई सन निकल आता है, तो इस तरीके से काफी कुछ जो है चेंजेस होने लगते हैं। कभी कभी विंड ब्लो होने लगती है अचानक से, कभी कभी एकदम स्टॉप हो जाती है, तो आपको डिफाइन कर पाना मुश्किल है कि आज का जो वेदर है कैसा रहेगा। अब चलिए इसको हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने एक वीक का कहीं का भी किसी पर्टिकुलर एक प्लेस का, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्लेस का हमने एक वीक का जो है पूरा डाटा कलेक्ट किया है। ये डेट है ठीक है ना, और यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में हमने लिया हुआ है। ये जो है बच्चों ये आपके बुक में भी अच्छे से दिया गया है, हम देखते हैं ठीक है ना, 386 ठीक है ना। तो इस डेट को हम अगर 3 डेट की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर जो टेम्परेचर दिया गया है वो कितना है, दैट इज 26। अगर हम डेट 4 पर जाते हैं बच्चों तो 23.5 आ जाता है, 5 पर जाते हैं तो 25.0 आ जाता है, 6 पर जाते हैं बच्चों, 6 डेट को जाते हैं तो 22, उसके बाद में अगर हम 7 को जाते हैं बच्चों कितना आता है, 25.5 ठीक है ना, और अगर 8 डेट को जाते हैं तो 23.3 और 9 को जाते हैं तो 24.4। तो बच्चों यहां पर अगर हम देखेंगे तो काफी जो चेंजेस देखने को मिलता है ईच एंड एवरी डे, जो टेम्परेचर है बच्चों तो उसमें क्या होता है, कहीं पर इंक्रीज हुआ है, कहीं पर डिक्रीज हुआ है। तो इस वजह से आप कह नहीं सकते कि आज का वेदर जो है कैसा होने वाला है। इसीलिए मैंने आपको कहा था आप न्यूज़पेपर लेकर के देखेंगे तो उसमें हर डे का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा देखने को मिलेगा, आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा ठीक है। अब यहां पर देखते हैं बच्चों एक जो इंपोर्टेंट दो पॉइंट्स है, एक नहीं दो पॉइंट्स है, हालांकि है दोनों एक में ही ठीक है ना। द मैक्सिमम टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द आफ्टरनून यूजिंग अ मैक्सिमम थर्मोमीटर। तो बच्चों एक थर्मोमीटर आता है ठीक है ना, जिसे हम मैक्सिमम थर्मोमीटर या तो फिर मिनिमम थर्मोमीटर भी कहते हैं ठीक है ना। तो ये क्या कहता है भाई, द मैक्सिमम टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द आफ्टरनून यूजिंग अ मैक्सिमम थर्मोमीटर। तो इवनिंग के टाइम का या आफ्टरनून के टाइम का जो बच्चों टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसको कौन से थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है, तो उसको मैक्सिमम थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। थर्मोमीटर क्या होता है, इसकी फुल डिटेल हम चैप्टर 4 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ठीक है। थर्मोमीटर, व्हाट इज थर्मोमीटर, स्टार एजुकेशन अगर लिख करके आप सर्च करोगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर इज मेजर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग यूजिंग अ मिनिमम थर्मोमीटर। तो अगर हम बात करें बच्चों की मिनिमम थर्मोमीटर कब मेजरमेंट किया जाएगा, तो मॉर्निंग में मिनिमम थर्मोमीटर मेजर किया जाएगा। कौन सा टाइप का थर्मोमीटर यूज होगा बच्चों, तो दैट इज मिनिमम थर्मोमीटर। कौन सा? मिनिमम थर्मोमीटर। अब ये मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर होता कैसे, ये बच्चों यू शेप का होता है ठीक है, यू शेप का। यहां पर मैंने फिगर नहीं ड्रॉ की है ठीक है, बट इस तरीके से टेम्परेचर होता है। यहां पर कैसा होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है और यहां पर जो होता है मिनिमम होता है, यू शेप का। और यहां पर जो है इस तरीके से, यहां पर मर्क्यूरी इसके अंदर बच्चों रहता है
और यहाँ पर जो पाइप है वो यहाँ पर लिखा रहता है यू शेप में होता है, और यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर मैक्सिमम कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरीके से आपको भाई यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर इस साइड बताएगा और इस साइड में जो है आपको मिनिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आज का बच्चों हमारा लेक्चर जो यहीं पर फिनिश होता है। आई होप बच्चों ये आपको हर ईच एंड एवरी टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बच्चों वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।